जयनमस्तु। धर्तं शरणं दयानन्दं नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे दुपते याद सहिता आरण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धाम जो तब चले मारे हर पति अर्थ जो है विनाश भव जो नमाम्यं परम देवदेवस्य बोलिए आचार्य प्रभव श्रीमद् जयंत आलंकरण लाचार्य जी महाराज जय। चलिए एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री कमल भक्ति ग्रंथाधिराज जी जहाँ अपन निरंतर वांछना कर रहे हैं कार्य का नंबर 25 जिसपे अपन ने कल विषय लिया था इष्टम च परमिष्टम। इष्ट में भी परमिष्ट अपना स्वभाव है। कल हमने सुखा जी बिलहरी में किया था इसलिए कल जो करा था उसका सार बढ़ा दें 2 मिनट में सिर्फ 2 मिनट चल 5 मिनट। इष्टम च परमिष्टम इतनी सी बात कही थी कल कि हे प्रभात्मा कि इष्ट में भी परम इष्ट अपना स्वभाव है। तो अपनी हमने इस बात को यहाँ से जोड़ा था कि जब वो इष्ट स्वभाव परम इष्ट है अपनी भावनाओं में उसकी इष्टता क्यों नहीं। अब उस परमात्मा को इष्ट मान के सावधान अपन उस परमात्मा को इष्ट मान के उसकी प्रियता की भावना कितनी बात है कितनी भावना होती है। भैया संसार संसार भय दुख्यानी संसार भय और दुखों की खान है इससे विरक्त होने का भाव कितनी कितने बार आता है या अपने शुद्ध आत्मा की भावना कितनी बार आती है। क्योंकि अपन जानते ना भावना भाव विनाश कि अपने शुद्ध तत्व की भावना भाने से ही इन भावों का उदय होना बंद होगा। भाई और जब तक अपन अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में अनंत तत्व की अपने स्वभाव की भावना नहीं भाएंगे तो इसके अलावा कोई पुरुषा है ही नहीं। मंदिर आने की भावना होती है सुख भावना अपन यह जनवाणी सुन रहा है तो ये भाव होते हैं सुख भाव भी लेकिन अंतर रमणता के भाव कहाँ होते रमणता नहीं हो रही। हम नहीं कह रहे समय रमणता होगी इस समय रमणता होगी ऐसा नहीं कह रहा है लेकिन हमें उस अपने परमात्मा स्वभाव में रमण करना है ऐसी भावना कितने बार भाते है। हमने कल भी कहा था कि कल भी कहा था कि बिलहरी जाने की भावना 2 दिन से भा रहे थे तो बिलहरी पहुंच गए 2 दिन की भावना भाई तक पहुंच गए। और परिणमन था योग का दीप पुनर्दय था वो सब बात की चीज भावना रोज पहुंच रही थी तो हम कल पहुंच गए। अब ऐसे कह रहा है भैया आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा रोज गाना गा रहा है लेकिन भगवान आत्मा के अनुभव करने की भावना आत्मा तक पहुंचा कितनी रहे छह बार तो कहते हैं ना कि अपना उपयोग क्या है दात्र है ममल स्वभाव आत्मा पात्र है तो इस दात्र से शुद्ध भाव उत्पन्न कितने कर रहे हो कि ममल स्वभाव रूप पात्र तक वो पहुंचे। जब अपने दात्र से अपने उपयोग से अपन विशुद्धता का भाव करेंगे तत्व की रुचि का भाव करेंगे ज्ञान में परमात्म सत्ता ग्रहण करने का भाव करेंगे तभी तो वो ममल स्वभाव रूपी पात्र सहानुभूति रूप प्रकट होगा अर्थात तभी तो ये भाव परमात्मा ग्रहण करेगा अपना परमात्मा इन भावों को तभी तो ग्रहण करेगा और जब ये भाव परमात्मा ग्रहण करेगा तभी तो सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो
रुचि रुचि रुचि। कल की चर्चा का सार बोल दिया हमने, पूरा एक घंटे इसी बात को बोला हमने बस, क्या कि आपके भाव में निज वितराग भाव में रमण करने की भावना कितनी श्रेष्ठ है ये बताओ, आपकी रुचि कितनी बलवत है, आपके अंदर में आपकी रुचि कितनी बलवत है, किस लिए भैया, अपने ज्ञान भाव में अपने तत्व में चरण करने के लिए आपकी रुचि कितनी बलवत है। देखो भैया अपन अपनी रुचि तो क्या बोलते हैं सुनने तक तो आ गई, अपन यहाँ बैठने तो लगे, तो बैठने से क्या होता भैया, जितनी देर बैठते हैं उतने समय भाव जो पर प्रपंच के रहते हैं वो कभी रुक जाते हैं कभी नहीं भी रुकते, लेकिन अपन यहाँ बैठते हैं तो अपनी एकाग्रता से घर पुत्र परिवार की चिंताओं में थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगता है, फर्क तो आता है, असर तो आता है भाई। और इस असर से अपने को जो असर आया, असर मतलब जो अपने को थोड़ा बहुत ब्रेक लगा मन की प्रवृत्ति पे, इच्छाओं पे ब्रेक लगता है, ये ऐसा लगता है ना, या देखो संसार असार है, पाप करने से दुख होगा, नर्क जाना पड़ेगा, तो मन जो नाना प्रकार की विषय आसक्ति करता है, अपन निर्णय करते नहीं करते कि भैया इन विषय आसक्ति का परिणाम दुर्गति है, ब्रेक लगता है, मन पे स्टॉप पड़ता है। तो अब ये कह रहे हैं भगवान जी, अब इतना तो अपन समझ लिया ना, इतना तो अपने समझ में आ गया ना कि संसार दुख रूप है और इसमें अनुरक्त होना अपने लिए अनर्थकारी। तो ये चर्चा हुई थी कल कि जब पता लग गया कि अनर्थकारी है तो फिर किसी की भावना क्यों भारा, इस लड़मोड़ा की शादी हो जाए जब फुर्सत होंगे तब आत्म कल्याण करेंगे, यही भावना क्यों भारा कि दुकान आदि के व्यापार आदि अच्छे चलने लगे, हम थोड़े भैया घर गृहस्थी के माता की जिम्मेदारी से पिता की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए जब आत्म कल्याण करेंगे, हमारा मकान बन जाए जब आत्म कल्याण करेंगे, हमारी दुकान बन जाए जब आत्म कल्याण करेंगे। निरंतर पर की भावना, निरंतर संसार की विषय भावना, ये भावना रोज भारा हो गई बस। और इसमें भावना और भाव में अंतर ही बताया, भाव भाव कर्म के उदय से चलने वाली प्रणमन की धारा, शुभ भाव अशुभ भाव राग भाव देश भाव, भाव कर्म की चलने वाली धारा है, उसमें अपनी रुचि या वैसा अपना अभिप्राय, वैसी अपनी लक्ष्य, वो अपनी भावना है भाई। भाव अलग भावना अलग, दो भेद करके बताए, भाव क्या है, कर्म की धारा है जो तत्समय के योग परिणामों के अनुरूप होता है, भाव आदि जो परिणाम है वो कर्म की धारा है, वो अपनी योग्यता से प्रणमन होने वाला क्रमबद्ध प्रणमन है, संसार में होने वाली अपनी व्यवस्थित व्यवस्था है भैया। भावना जीव का अपना परिणाम, तो लोग परिणामित हो रहा है ना, ये राग आदि विकारी भाव अचेतन जड़ भाव, और इनमें अनुरक्त होने वाला, इनमें अपना पन करने वाला चेतन जीव, तो कह रहे हैं ये भाव कर्म की व्यवस्था तो स्वतंत्र चल रही है, बैठ रही है कि बाहर से जा रही है, भाव कर्म का औदायिक कर्म का परिणाम तो ये स्वतंत्र चल रहा है, लेकिन जीवात्मा अपन भावना नित्य काय की मारा है। इतनी बात में कल पूरा एक घंटा चला गया, क्या कि भाव कर्म की व्यवस्था तो स्व में एक स्वतंत्र चल रही है, हम उसके लिए दोष दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन आप भावना काय की भारा है, आपकी भावना में क्या है, आपके लक्ष्य में क्या है, संसार लौकिक हितों के अलावा और कुछ भाव है क्या भैया। सुन लो, यदि अपनी भावना ही मलिन रहेगी तो फिर भवों का विनाश कैसे होगा, तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, इष्टम चाह परम इष्टम, इष्ट में भी परम इष्ट श्रेष्ठ, परम इष्ट कह दिया मतलब इष्ट में भी परम इष्ट मतलब परम श्रेष्ठ अर्थात और श्रेष्ठ, इष्टता में भी परम इष्ट श्रेष्ठता, इष्टम क्या है, इष्ट स्वभाव की अनुमोदना करना। सुनो, अनुमोदना करने का माध्यम मात्र मात्र आपके भाव है, हाँ आपका लक्ष्य यदि उस परिपूर्ण परमात्मा के प्रति है तो आप व्रत करोगे ना, तो आप व्रत करने के पीछे, नियम लेने के पीछे, संयम लेने के पीछे उस परमात्मा की प्रतीति को स्थित करके करोगे, तो वो तो सब आपका सम्यक है, क्यों क्यों सम्यक है भैया, क्योंकि आपने अभिप्राय में स्थापन उस वितराग शक्ति का किया है, तो आप उसकी स्थापना करके तत्व चर्चा सुनने बैठे हैं, तो आप क्या लक्ष्य बना के बैठे भैया कि हमें उस वितराग परम तत्व की अनुभूति का स्वाद चखना भैया। यदि आप
उस परमात्मा का लक्ष्य बना के बैठे तो चर्चा सुनना सार्थक पुरुषार्थ के खाते में चली गई। लेकिन बिना संयम तो कुछ होने वाला नहीं। हाँ संयम नहीं आ रहा है कि चर्चा करने से अपन सब गड़बड़ा होता है। संयम दो प्रकार का है, आवृत्ति की भूमिका में जो संयम चौथे गुण स्थान वर्ती आवृत्ति की भूमिका में जो 18 क्रियाओं का पालन करने रूप संयम है। साधु का संयम 28 मूल गुणों का पालन करने का, प्रतिमाधारी का संयम 5 अणुव्रत और 11 प्रतिमाओं का पालन करने का है, और आवृत्ति का संयम, आवृत्ति असंयम ही होता है लेकिन सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन आवृत्ति की मर्यादा है कि छठ काय के जीवों के प्रति भाव में दया, प्राणी दया, इंद्रियों को संयम करने की भावना और जी वीतराग जिनेन्द्र भगवान के वचनों का सच्चा श्रद्धानी। जिनेन्द्र भगवान की जो आज्ञा है उन वचनों का सच्चा श्रद्धानी, 18 क्रियाओं का पालन करने वाला, अर्थात रात्रि भोजन अवक्ष का त्यागी, अवक्ष आदि का त्यागी, रात्रि भोजन आदि का त्यागी, 5 उदंबर और मकार आदि का पूर्ण त्यागी, जिसके जीवन में अणुव्रतों को ग्रहण करने की भावना है, महाव्रतों को ग्रहण करने की भावना है, वह कोई भी चौथा वर्ण स्थानवर्ती जीव सम्यक को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ अपनी बात चल रही है कि इष्टम च परम इष्टम, कि आपके लक्ष्य में तो वो तत्ता है। संयम लेने की भावना कब होगी, संयमित होने का भाव कब आएगा? भैया हमने संयम ले लिया क्यों? क्योंकि संयम के बिना मोक्ष नहीं है, तो संयम क्यों लिया? स्वर्ग जाने के लिए। इसीलिए तो मैंने संयम का दर्शन की बात की। बस और जिसे सम्यक होगा, जिसे स्वभाव की इष्टता होगी, उसके लिए फिर आगे चारित्र का मार्ग ही है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो यहाँ अभ्यास की बात है। आचार्य श्रीमद जी नारायण स्वामी तो इष्ट अनमोह विगत अनिष्टम, वो तो इष्ट वीतराग भाव में रमण कर रहा है और विगत अनिष्टम उससे उनकी विकारी परिणतियां मिला गई, वो तो अपने परम आनंद का रस चख रहा है, अपने निर्विकल्प आत्मभाव में डूबे हुए हैं, लेकिन अपने लिए प्रेरणा दे रहा है क्या कि जीव आत्मा 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 की चर्चा तो सुन रहे हो लेकिन इष्ट अनमोय उसकी अनुमोदना उसका सहकार कितना, उसमें रमणता की भावना कितनी है। और यदि भैया देखो जब तक रमणता की भावना नहीं होगी तब तक भाव विशुद्धि नहीं होगी, और जब तक भाव विशुद्धि नहीं होगी तब तक राग आदि परिणाम में, राग आदि क्रिया में, पाप आदि कार्यों में रुचि लगी ही रहेगी। पाप आदि कार्यों से रुचि दो कंडीशन में छूट सकती है, रुचि दो कंडीशन में छूट सकती है। एक कंडीशन या तो जीव को तत्व की गहरी रुचि हो, या तो इस बल में छूट सकती है, या तो पूर्व भाव के संस्कार हो वैराग्य के वृत्ति के, या इस बल में छूट सकती है। लेकिन वैराग्य भी तब सच्चा माना जाएगा तब वो सम्यक दर्शन से सुशोभित, तत्व की रुचि से सुशोभित हो। तो दूसरा पहला वाला वैराग्य जो सम्यक दर्शन के साथ है उसकी बात चल रही है भैया। आचार्य कारण समय कह रहे हैं कि उस इष्ट भाव को अंतर में संजो तो, जब तक आप उस सत्य को उस तत्व को अपनी दृष्टि में संजोगे नहीं तब तक तुम्हें प्राणियों पे प्राणी अपने समान दिखेंगे नहीं। अभी अपनी चर्चा नहीं सत्यम कनिष्ठ जीवा, जब तक इन सभी जीवों पे दया करने का अनुकंपा का भाव नहीं होगा भैया, जब तक आपको प्राणी संयम की भावना नहीं होगी, और जब तक आपको प्राणी संयम की भावना नहीं होगी और स्वयं इंद्रिय विषयों में संयमित होने की भावना नहीं होगी कब तक नहीं होगी भैया? जब तक आपको सम्यक का अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि भैया इंद्रिय विषय और सभी जीव अपने समान ये उन जीवों की अनुभूति का विषय है जो सम्यक से अभिभूत है, जो सम्यक दर्शन से अभिभूत है उनके जीवन में ही ये विषय है भैया। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं, इष्टम च परम इष्टम, तुम पहले इष्ट में परम इष्ट अपने स्वभाव की रुचि तो लगा। देखो अपन यही तो बात कह रहा है कि भैया आत्मा की चर्चा कर रहा है लेकिन आत्म स्वभाव की भावना कितनी देर भाव, मंदिर आने की भावना तो हो जाती है पर अपन ने नियम ले रखे हैं, अपन सबके व्रत है, सबके बहुत सारे नियम है, बहुत सारे संकल्प है, तो मंत्र जप करने की भावना भी हो जाती है, तत्व चर्चा सुनने की भावना भी हो जाती है, और अपन क्या बोले सदाचार में भोजन आदि जो अपना है विवेक पूर्व आचार ये सब भी ग्रहण कर लेते हैं, मर्यादित भोजन को भी ग्रहण करने की भावना हो जाती है, लेकिन भगवान आत्मा इसके साथ साथ इष्ट स्वभाव में रमणता की भावना कितनी होती है,
शब्द उपयोग को ग्रहण करके आगे बढ़ने की भावना कितनी होती है। सब तक तो पहुंच जाते हैं अपन, वो पहुंचते ही है। यहाँ आके भगवान की वाणी सुन रहे हैं तो बिना शुभ उपयोग के, शुभ उपयोग तो सिर्फ सातवें गुण स्थान से ऊपर की बात, बिना शुभ भाव के भगवान की वाणी सुनने का भाव नहीं होता। तो मंदिर आने का भाव, सात्विक भोजन करने का भाव, सदाचार में भोजन करने का भाव, मर्यादित वस्तु ग्रहण करने का भाव, ये भाव किसको आएगा भैया? ये भाव उसको ही आएगा जिसके जीवन में भैया क्या बोलते हैं, भगवान की वाणी का सहकार। क्यों आएगा भैया? ये शुभ भाव है तो पता है कि यदि अपन अशुभ पाप आदि में रमण करेंगे तो दुर्गति में जाना इस भय से भी आ सकता है। पता है ना, यदि जीव जितने नरक नहीं गया उससे डबल स्वर्ग गया। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि पता है ना, पाप आदि करके तो दुर्गति में ही जाना है, तो पुण्य आदि करके तो स्वर्ग आदि तो मिलेगा ना। तो जीव की रुचि, जीव की रुचि हमेशा पर भाव में रही, उसने पुण्य को उपाधि माना, जबकि वो गेय पदार्थ है, उसे उपाधि माना। तो जब तक उसे उपाधि माना भैया, तब तक उसे अंतर शक्ति का बोध नहीं हुआ। पुण्य को जब जीव आत्मा का लक्ष्य रखता है तो वो पुण्य को परिणमन कहता है। पुण्य को परिणमन ही मानता है, पुण्य को परिणमन ही कहता है, वो पुण्य की भूमिका में ही रहता है। भगवान जी यदि पाप से बचने के लिए पुण्य का लक्ष्य बना लेगा तो उसने लक्ष्य मिथ्या धारण करा, तो मोक्ष का लक्ष्य है शुद्ध आत्मा का लक्ष्य स्थापित किया ना। तो शुद्ध तो जब आत्मा का लक्ष्य स्थापित किया तो फिर सैद्धान में पुण्य नहीं रहेगा। तो बस तो सम्यक की ऐसा थोड़ी ना कि आपने एक बार सम्यक की भावना पा ली, आप पुण्य की क्रिया में दिन रात व्रत हो गए, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो पुण्य की क्रिया सही, पुण्य की छठवे गुण स्थान तक शुभ की भूमिका रहेगी, लेकिन वो परिणमन है, भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। अरे अरे तो भगवान जी पुण्य में रहने की मनाही क्यों कर रहे? पुण्य का कर्ता कहाँ को मान रहा है? ये पक्षी तो, पक्षी तो है, जो कर्ता माने वो जाने, वो जाने। बस 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 यही बात कि ये निर्णय करना है कि पुण्य परिणमन हमने पहले क्या कहा, अपन सात्विक भोजन कर रहे हैं, सदाचार की भूमिका में रह रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, और अपने जो जीवन में जो आवृत्ति की भूमिका है उसका सदाचार का ठहर क्रिया पालन कर रहा है, लेकिन इष्टता की भावना कितनी भार है स्वरूप की? हाँ तो ये तो रहा है, ये पुण्य के मार्ग तो है अपने पास, पुण्य का मार्ग नहीं है, मार्ग तो रत्नत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग है। यदि आचार्य देव सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग कह रहा है तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि पुण्य मोक्ष मार्ग है? आगम प्रमाण है क्या? पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं है, सहायक है, सहायक परद्रव, पुण्य परद्रव है। यदि पुण्य परद्रव आत्मा की अनुभूति में सहायक है तो फिर हम आत्मा की दृष्टि से सहायक नहीं है। आप व्यवहार में कहो भाई, व्यवहार में आपको आप क्या व्यवहार कहोगे? आप ये कहो कि शरीर छूटेगा तभी तुम्हारा व्यवहार छूटेगा। तो हम यही तो आपसे कह रहे हैं, शरीर कहता है,
वहाँ के बाद ही तुमको मोक्ष का। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हमने ये कब कहा कि आप आलू खाओ, प्याज खाओ, लहसुन खाओ और क्या बोलते हैं सात व्यसन करो फिर सम्यक दर्शन होगा, हमने कहा ऐसा? ये तो बात नहीं, खाने की बात करते हैं, बात कर रहे हैं अपने भाव सुधारने की। भाव किसके सुधरेंगे? जिसको अंतर आत्मा की इष्टता होगी उसके भाव सुधरेंगे। वही तो पूछो अपने आपसे कि हम 50 साल से सुन रहे हैं या 25 साल से सुन रहा है या 30 साल से सुन रहा है, तो हमें अपने अंदर की प्रतीति कितनी रह रही है पूछो। हाँ तो अपने अंदर पूछो ना कि हमें आत्मा की प्रतीति कितनी है और क्रियाओं की रुचि कितनी है, ये पूछो कि हमें क्रियाओं की रुचि कितनी है। तो बस वही तो कि हमें तत्व की रुचि कितनी है, हमें आत्मा की रुचि कितनी है और हमें तत्व का बोध कितना है और हमें क्रियाओं में कितनी रुचि है। हम मिथ्यात्व धर्म कितना बोल रहे हैं, आडंबर वही धर्म कितना बोल रहा है, पूछो अपने आप से। तो भगवान आत्मा आचार्य तारण समय कहना है पर क्या बोलते हैं पर परजा मिलियो, यदि अपनी अंतर की ओर दृष्टि करोगे तो इन पर्यायों का पक्ष मिला जाए, क्योंकि अनादि काल से जीव को शुभ राग का पक्ष है और सम्यक दृष्टि के अंदर में शुभ राग का और शुभ क्रियाओं का पक्ष नहीं होता भाई। तो यहां आचार्य श्रीमद जी तारण समय कहना है कि यदि आप वास्तव में अनुभवी हो और वास्तव में आप निश्चय व्यवहार के कथन को जानते हो, आगम के अभ्यासी हो, तो फिर तर्क ही नहीं होता। तो सीधी बात समझ में आती, ये विशुद्ध शुद्ध निश्चय का कथन है और शुद्ध निश्चय से कहा जा रहा है कि उस परम इष्ट भाव को ग्रहण करोगे, उस परम इष्ट भाव को अपनी दृष्टि का विषय बनाओगे। तो परम शुद्ध निश्चय से स्पष्ट कहा जा रहा है कि जब आप उस वितराग भाव को अपने लक्ष्य में रखोगे तो पर पड़ जाओ भैया, तो पर पर्याय के भाव बुलाएंगे भैया। अब यदि भैया कोई कहे अरे भैया ये परम सत्य निश्चय नहीं तो कोई काम का नहीं है, इससे जीव स्वच्छंदी होता है, तो भैया योगेंद्र देव गाथा नंबर 2 में कह रहा है कि परम सत्य निश्चय नहीं कटक फल है, वो फिटकरी है, जिस वो निर्मली है जिसके कारण ये जीव विकारी अवस्था में रहते हुए भी अपने निर्विकार तत्व को जान सकता है, अनुभव कर सकता है और उसकी अनुभूति तक पहुंच सकता है। और व्यवहार को उन्होंने अभूतार्थ कह दिया, व्यवहार अभूतार्थ स्पष्ट लिखा है। यदि आप अपेक्षाएं समझते हो तो आपको यह तर्क ही नहीं होता, यदि आप अपेक्षाएं को जानते तो आप अभी कुछ कहते नहीं, क्योंकि हम परम शुद्ध निश्चय ने अपेक्षा का कथन कर रहे थे। तो बस एक चर्चा में क्या होता दो ही है। तो देखो देखो देखो, यदि आप अपेक्षाओं को जानते हो तो हमने सबसे पहले कहा था कि आवृत्ति की भूमिका में 7 प्रकार के प्रश्नों का त्यागी है, मर्यादित भोजन कर रहा है और क्या कर रहा है भगवान जी, चैत्याले आ रहा है, मंदजप कर रहा है, समय कर रहा है, ये सारे भाव तो अपने को हो ही रहे। तो जिनको ये हो रहा है उनसे आगे की बात चल रही भैया, और जिनको नहीं हो रहा है भैया उनकी वो जाने। अपना कथन तो यहाँ जो गाथा है उस अनुसार है, और यह गाथा कह रही है पर जाओ भैया, जब तक आप उस इष्ट स्वभाव की दृष्टि प्रकट नहीं करोगे तब तक पर्यायों को पक्षभूत करने का जो भाव है, पर्यायों को लक्ष्यभूत करने का जो भाव है, पर्यायों को क्या बोलते हैं अपने अंतर में जो महत्व देने का भाव है, पर भाव को महत्वपूर्ण करने का, मन वचन काय से होने वाली क्रियाओं को महत्वपूर्ण करने का जो लक्ष्य है अपने अंदर में कि भैया ये ही अपना परिणमन है, क्योंकि अनादि काल से मिथ्या क्या है, होने वाले पुण्य पाप परिणमन में मैं बनेगी दृष्टि। और जब तक जीव की होने वाले पुण्य पाप परिणमन में मैं बनेगी दृष्टि है भैया, तब तक पर पर्याय विलियम पर्याय भाव से अलग नहीं हो सकता। और देखो भैया तत्व की रुचि जगाने से कि सदाचार में जीवन, तो जैन धर्म में यदि अपन ने जन्म लिया है तो आलू प्याज तो अपन वैसे खाते ही नहीं, और जितने लोग बैठे हैं वो तो ऐसे लड़के बच्चे बैठे नहीं जिन्हें आलू प्याज छोड़वाना, जितने लोग बैठे हैं वो अवक्ष के त्यागी है। तो यहाँ उन लोगों से बात है क्या कि इष्टम, अपने इष्ट की भावना कितनी कर रहे हो, मंदिर आने में तो मन लग रहा है, तत्व चर्चा सुनने में तो मन लग रहा है, मंत्र जप करने में तो मन लग रहा है, लेकिन आत्मा की बात सुनने में मन तो लग रहा है बात सुनने में, लेकिन आत्म स्वभाव को ग्रहण करने की भावना में कितना चित्त लग रहा है ये बता।
तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा भैया हमने सुन लिया, एक बार निर्णय कर लिया कि मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा हूँ। हाँ, प्रतिपल होने वाले मन वचन कायी क्रिया में ये प्रतीति कितनी है, ये परिणमन भिन्न है, वो मैं चेतना हूँ। जागृति कितनी प्रतिपल की, प्रति समय की, ऐसा थोड़ी ना कि समय दर्शन हो गया यहाँ मैं आत्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ, एक बार निर्णय कर लिया तो जीवन भर की फुर्सत, ऐसा थोड़ी ना हो। हर पल हर घड़ी दिन रात 24 घंटे 365 दिन एक समय भी, ये नींद में भी ये जागृति कितनी है, ये जो परिणमन है ये परिणमन का भाव मेरी चेतना से एकदम अलग है। भैया ये परिणमन चल रहा है कर्म दे से, ये परिणमन चल रहा है कर्म के भाव से। तो भगवान आत्मा ज्ञान सहावेन कम जिनियम चा आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी कहना है कि तुम ज्ञान सहाव को कितना स्वीकार करते हो। क्योंकि देखो भैया दो प्रकार की बातें चल रही है, एक बात है जो अज्ञान में भाव है, मन का जो स्वभाव है अनादि काल से इस मन ने चलने वाली पर्याय धारा को अज्ञान को ही अपना रूप माना, एक धारा है मन की जो निरंतर चल रही है। और मन कौन सी धारा के साथ चलता है, मन चलता है कर्तव्य की धारा के साथ। अज्ञानता है जब तक जीव को, जब तक जीव को मिथ्या है, जब तक जीव को पर्याय परिणमन का पक्ष है तब तक, बस जब तक जीव को मन वचन का आएगा परिणमन का पक्ष है तब तक जीव का मन काय की ओर चलता भैया, पर्याय के साथ घटने वाले परिणाम के साथ, चाहे वो शुभ का हो चाहे अशुभ का। अशुभ तो निगोद नर का कारण है ही, लेकिन शुभ भी मोक्ष का कारण नहीं है। ऐसा परिणाम चलता है तब तक जब तक जीव की दृष्टि पर्याय में है। अब आचार्य श्रीमद जी तारा स्वामी कहते हैं यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो ज्ञान सहावे, सम्यक ज्ञान का अनुकरण करना पड़ेगा। और एन के प्रकरण अपनी समस्त प्रकार की पक्ष धाराओं को नकारना पड़ेगा। क्योंकि भैया यदि आप शुभ का अशुभ का या फिर किसी भी वस्तु का पक्ष करोगे तो आपका उपयोग पक्षीभूत उस भाव में पक्षभूत होगा, तो आप निरपेक्ष आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकते भैया। इसे तारण समय कह रहे हैं ज्ञान सहावे कम जितियम, एक ही उपाय मोक्ष का कि तुम अपने ज्ञान स्वभाव पे अपने ज्ञायक भाव पे विजय तो प्राप्त करो भैया। विजय आपको अंतर आत्मा को जीतना पड़ेगा, कर्मों को नहीं जीतना, कर्म तो मुर्दा है। कर्मों का परिणाम तो अपनी योग्यता चल रहा है, आप तो अपने भीतराग भाव को जीतो, आप तो अपना उपयोग यहां से हटाओ। सामने टीवी चल रही है लेकिन भैया आपका मन नहीं लग रहा, टीवी बंद करो, आप अपना उपयोग वहां से हटाओ और आप आत्मचिंतन में उपयोग लेके जाओ। आप तत्व चिंतन में उपयोग लेके जाओगे तो अपने आप ही मां 7 व्यसनों की अनबोधना होना छूट जाए। यदि आप टीवी देखते रहो और आप उपवास कर लो, भैया आज हमारा उपवास है लेकिन हम टीवी देख रहे हैं दिन भर, तो मोक्ष मार्ग थोड़ी ना, मायाचारी है, क्रियाओं की मायाचारी, मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग कहाँ है कि वहां सामने टीवी का जो दृश्य चल रहा है वहां दृष्टि ना जाए, वहां रुचि ना जाए। रुचि कहाँ जाए कि यदि आज उपवास किया है तो आज का दिन स्वाध्याय के लिए, आडंबर के लिए नहीं, आज का दिन स्वाध्याय के लिए, संयम के लिए, एकांत में ध्यान लगाने के लिए, मौन रहने के लिए, समाज के प्रपंचों से दूर रहने के लिए। यदि आज का दिन आपकी साधना के लिए है तो तारण स्वामी कह रहा है ज्ञान सहावे कि तुम क्या कर रहे हो, ज्ञान स्वभाव की साधना कर रहे हो, अर्थात तुम अपने आप को साध रहे हो। तो भैया यदि अपना उपयोग ज्ञान स्वभाव की साधना के लिए नहीं है तो क्या साध रहे हैं कि आज रूपचंद मासा कहाँ चले गए, कुमार ये साध रहे हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। दुनिया को साधने में लगे हो तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं है। एकांत चित्त, आपने यदि भूमिका बढ़ाई है अपनी, यदि आप पहली क्लास से दूसरी क्लास में गए हो तो आपके जीवन में एकांत, आपके जीवन में शांति और आपके जीवन में आनंद कितना है, कलेश से कितना दूर हो। भैया यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है और आपके पास कलेश अधिक है तो भैया साधना कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा। तो यहाँ आचार्य श्रीमद जी तारा स्वामी कह रहे हैं ज्ञान सहावे तुम्हें सरलता कितनी है, तुम तो ये बताओ आनंद का कितना रसपान करते हो। अरे भैया क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना आगम में कि पंचम स्थान में दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाता है, और यदि दो चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है तो आनंद की दशा प्रकट है, और आनंद की दशा प्रकट है तो उस जीव को तीन काल में भी कसाय के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। कितना आनंद रस ले रहा है भगवान जी, पंचम स्थान है तो आनंद का कितना पान है, अपने आत्मा में कितने सराबोर हो पर समाज प्रपंच से कितने दूर हो ये बता।
कहने भैया मन तो समाज में लगता है, मन तो मन सकाई क्रिया में लगता है, मन तो आडम्बरों में लगता है ना मायाचारी। तो जब तक ये मायाचारी है तब तक कर्मों को जीतने का कोई मार्ग बनने वाला नहीं। अपनी 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 सत्ता को ठोको कि हमारा कौन सा गुणस्थान, क्योंकि गुणस्थान तो अंतर अनुभव का विषय है भैया, वो कोई ना पकड़ सकता ना कोई उसे बता सकता। तो आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी कह रहा है क्या अपना काम तो बनाओ भैया, आज अनुव्रत लेने की भावना तो है लेकिन भगवान जी अनुव्रतों को ग्रहण करने की ताकत है, उन्हें पालन करने की सामर्थ्य है ना भैया, देख के तो बैठ नहीं रहा है, ये 8 दिन से चटाई बिछी हुई इस पर तो बैठ रहा है अपन। तो संयम कहाँ, जब विवेक ही नहीं है तो संयम कहाँ। तो अपन आगे चले, ज्ञान सहावेन कम जनियम च, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से कर्म जीत सकते हो। जब आपकी अनुभूति का मार्ग अंतरात्मा में होगा, जब उन जीवों पे अनुकंपा का भाव आपके हृदय में होगा तो कर्मों का विजय होगी भैया, क्योंकि बिना विवेक के जिन धर्म पे आवरण वाद, विवेक है तो मोक्ष का मार्ग। तो यहाँ चार तारण स्वामी का कहना है भैया, इष्टम च परम इष्टम, पहले जिस भूमिका में हो उस योग भाव तो बनाओ, उतनी विशुद्धि का भाव तो लेके आओ, उतनी तत्व की रुचि का भाव तो लेके आओ, क्योंकि आप जिस भूमिका में हो यदि आपकी वैसी रुचि नहीं है तो भगवान जी फिर इष्ट की अनुबोधना नहीं होगी, वीतराग धर्म की प्रभावना नहीं होगी, फिर व्राधना होगी। और यदि आपकी रुचि वैसी है जैसी आपकी भूमिका है, आलम चो या आवृत्ति की भूमिका में ब्रह्मचारी बन के बैठे हैं, और यदि हम बाहर खड़े होकर पान की दुकान पे खड़े होंगे तो क्या होगा, तो वीतराग धर्म का नाश होगा, आप धर्म की आप प्रभावना में निमित्त बनोगे, आप अनाचार में निमित्त बनोगे, और भैया आप अनाचार में निमित्त बनोगे तो आपकी दुर्गति निश्चित है। और यदि यहां सदाचार में मान लो आप ग्रस्त हो लेकिन आप फिर भी पान की दुकान पे नहीं जाते तो भैया हमसे तो लाख गुने अच्छे, करोड़ गुने अच्छे भैया। तो क्यों क्यों अच्छे भैया, क्योंकि निजी भूमिका जरूर है लेकिन आचरण में सदाचार सम्यक है। तो यहाँ वीतराग धर्म की प्रभावना करने के लिए वास्तव में विवेक चाहिए। विवेक क्या है, गुरुदेव कह रहा है कि ज्ञान सहावे, तुम ये बताओ कि सम्यक ज्ञान की आराधना कितनी, वस्तु स्वभाव का चिंतन कितना है, आगम का अध्ययन कितना है, भगवान की वाणी को कितना रुचि से ग्रहण करते हो, कितनी आपके अंदर में रुचि, कितनी उत्कंठता है काय की भैया, मंदिर आने की कितनी उत्कंठता है और मंदिर आके शांत चित्त आनंद लेने की कितनी रुचि है। देखो मंदिर आके भैया अपन ने 14 ग्रंथ पढ़ लिए, भक्तामर पढ़ लिया, 3 32 पढ़ ली, ये रटने की रुचि कितनी है, और उस रट्टा रट्टू तोता के साथ भैया जो एक शब्द का अनुभव है उस एक शब्द का अनुभव करने की रुचि कितनी है। अपन ने एक पुलना पढ़ ली, अब एक कमल 32 का पांचन भी कर लिया, चलिए रटने की रुचि कितनी है, पेज पलटने की रटने की रुचि कितनी है। और कह रहे हैं अरे तुम तो इतना ना पढ़ के ज्ञान साहब 2 शब्द पढ़ते, और 2 शब्द पढ़ते और अंतर में उसका अब तो साहब चिंतन उस आत्म स्वभाव का चिंतन करते तो मानते कि भैया अब मोक्ष का मार्ग प्रारंभ है। भैया तुमने 25-50 रट ली, हो गई पूजा आज पूरी, आज मंदिर विधि पढ़ ली और पूजा पूरी हो गई। अब बताओ ये पूजा तो तुम्हारी पूरी हो गई लेकिन काय की पर की पूजा हो गई भैया, पूजा पूज समाज रहे अंतर आत्मा की पूजा कहाँ हुई, जहां अंतर जाने का मार्ग बनता वो पूजा कहाँ हुई, पूजा तो तुमने काय को उद्गल को, पूजा तो काय को क्रिया को, पूजा तो काय को मन वचन काय को बकबक कर ली, 1 घंटे चिल्ला लिए 8.5 से 9 हो गए, 1 घंटे चिल्ला चोट हो गई, रुचि कहाँ बनी अंदर जाने की, भावना कहाँ हुई कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये मात्र परिणाम की धारा है, ये पर्याय है, ये पुण्य पाप का उदय है। भाई फसा का वेदने कर्म का उदय है वहां सब कहा गया कुमारी लोके व्यवहार निभाने के लिए, और अपना पुण्य कर्म का उदय साता कर्म का उदय है भैया अपन यहाँ बैठे, तो साता असाता का परिणाम चल रहा है, जिसकी जहां योग्यता का परिणाम है उसका साता असाता का परिणाम चल रहा है। लेकिन भैया इस साता असाता के परिणाम में अपनी भावनाओं का क्या रोल है, अपनी अंतर की रुचि का क्या रोल है, अपनी रुचि का क्या रोल है, अपने को साता साता में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है क्या भैया, हमने मान लिया ना मैं आत्मा सिद्धार्थ परमात्मा हूँ,
अरे भगवान जी, यदि ऐसा एक बार मानने से मोक्ष हो रहा होता तो सब मोक्ष चले जाते। हर पल प्रतीति प्रतीति में भाषित हो क्या, ये परभाव भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूं, तो मोक्ष की शुरुआत हो सकती है। तो आपका काम बन सकता है, आप जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को मानने वाले हो तो सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने पहली आज्ञा दी है भैया, प्रथम भाव शुद्ध, पहला भाव है क्या भाव है, शुद्ध शुद्धता को प्राप्त करने की भावना भाई। अब कैसे, संयम के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से, काय के माध्यम से भैया, अंतर में क्या बोलते हैं, विशुद्धि को बढ़ाना है काय के माध्यम, व्रत के माध्यम से। तो व्रत के माध्यम से अपने विशुद्धि बढ़ाना है तो व्रत लेके वृत्ति ज्ञान में हो, अज्ञान में ना, व्रत लेके वृत्ति ज्ञान में हो, फिर वृत्ति शरीर में, व्रत लेके भी वृत्ति शरीर में है तो फिर माया चाहिए। तो यहां कह रहा है वृत्ति ज्ञान में हो, ज्ञान में वृत्ति बने आपकी, आपको अंतर में वृत्ति होने का स्वाभिमान हो, अभिमान नहीं, आपको वृत्ति होने का स्वाभिमान हो, बहुमान हो कि हमने जिन लिंग के मार्ग को धारण किया है भैया, वृत्ति अंतर आत्मा की बने तो आप वृत्ति स्वाभिमान होना चाहिए। अणुवृत्ति खुद थोड़े समय में हम आ रहे हैं समाज में, स्वाभिमान होना चाहिए कि हम अणुवृत्ति, हमने प्रतिमाओं को धारण किया था, मोक्ष लिंग को धारण किया है, भगवान जी जो हम करेंगे वो सर्वज्ञ की आज्ञा होगी जो भी करेंगे, और यदि सर्वज्ञ की आज्ञा का विरोध किया तो फिर निगोय भाषा में नरक नहीं, फिर निगो दे। तो इसलिए आचार्य श्रीमद जी तारा स्वामी ने कहा भैया कि इष्टम अनुमोद, तुम उस इष्ट की अनुमोदना कितना करते हो ये बताओ। आप भैया सुबह क्या बोलते हैं, नहाते धोते प्रवचन करते हो, एक टाइम आप हमारे साथ आग चल के भोजन कर लेते हो, जा तो दिख रहा है भैया तो एक टाइम भोजन कर रहा है, जा तो दिख रहा हो, लेकिन भगवान जी एक टाइम भोजन कर रहा है वो बात तो ठीक है, एक अंतर आत्मा का भजन कितनी देर कर रहा है ये तो देखो तुम। बढ़िया एक टाइम बढ़िया भोजन करा, बढ़िया 12:30 आहार करके आए, भोजन करके आए और फिर आके पड़ गए, उठे कितने बजे, 4 बजे, ये थोड़ी साधना हो रही, ये थोड़ी ना मोक्ष मार्ग चल रहा, नींद को साध रहे हो या मुक्ति को, क्या साध रहे, नींद को साध रहे भाई, पेट भरने को साध रहे, पेट भर रहा है, नींद साध रहा है, क्रियाएं साध रहा है। अरे भगवान जी अंतर आत्मा की रुचि कहाँ है ये तो बताओ, तत्व की रुचि कहाँ है, वो कहने लगे इन सब क्रियाओं में, इन व्रतों में, इन नियम में, इन संयम में, इन सब में जो आधारभूतता सत्य तत्व वीतरागता वो कहाँ गई। कहना भैया वीतरागता के नाम पे राग 100 गुना ज्यादा हो गया, तो भगवान जी वीतरागता कोई पता ही नहीं है, अब हो गया मोक्ष भैया। भैया जी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, जाना सबको मोक्ष है लेकिन पाप करते हुए, जाना तो सबको मोक्ष है लेकिन पाप करते हुए, वीतराग धर्म की विराधना करते हुए तत्व को जाने बिना मोक्ष जाना, जाना सभी को मोक्ष है भैया, लेकिन अन्यानी अन्यान मऊ मिथ्या सर संजुते ना, और मुक्ति मुक्ति टू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति, मुक्ति तो उसकी होगी जिसके अंतर से मूर्ता लाएंगे, देव मूर्ता लोक मूर्ता पाखंड मूर्ता अनायतन आदि का जो त्याग करेगा उसके जीवन से, उसके जीवन से भैया, उसके जीवन से तत्व की जिसके जीवन में अनुमोदना होगी उसके जीवन से अनाचार जाएगा। अब भैया एक बार बताओ, यदि सच्चे देव गुरु का श्रद्धानी ना हो, यदि आप बेहतर भूत को अगरबत्ती लगा रहे हो, अरे मजार पे सर पटक रहे हो, तो मुक्ति हो रही है। अच्छा पद्मावती धरण को यदि पूज रहा हो तो मुक्ति हो रही क्या, तो मुक्ति का आधार वीतरागता है, जिनेन्द्र है, जिन लिंग है, वीतरागी देव है, यदि वीतरागी देव की आधारशिला है तो मुक्ति हो सकती है, और यदि किसी भी राग का पोषण है तो मिथ्या है, देव की देव पे आवरणवाद है और देव पे यदि आवरणवाद है तो मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है, और अपन उसकी कृत कार्य अनुमोदना करें मन वचन का ऐसे आवरणवाद की तो भैया निगोद तो अपना निश्चित है। इसलिए यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि अपना मार्ग बनाना है, कैसे बनेगा भैया, ज्ञान सहावे, बिना सम्यक ज्ञान के
बिना आगम के अभ्यास के, आगम के अभ्यास के बिना, बिना तत्व के अभ्यास के बिना आपको सत्य और गलत में अंतर समझ में आने वाला नहीं। और क्या करने योग्य है? व्यवहार भैया समाज को चलाने के लिए करना पड़ता है। तो क्या करने के योग्य है, क्या करने के योग्य नहीं है? भैया आपकी भूमिका में, हमारी भूमिका में हमें क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, ये आगम के अलावा और कोई बता सकता नहीं। इसलिए आगम का अभ्यास और गहरी रुचि से आगम का अभ्यास, जब आगम का अभ्यास गहरी रुचि से होता है तब अंतर के कपाट खुलते हैं, अंतर की मान्यताएं टूटती है, अंतर की पकड़ टूटती है और पता लगता है भैया कि हम कहां बह रहे हैं, हमारी दिशा क्या है, हमारा उपयोग क्या है, हमारी रुचि काय की है। और याद रखना भगवान आत्मा, जब तक जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, जिन भगवान के वचन कैसे है पढ़ो यहाँ, जिन वैनम, जिन भगवान की वाणी, जिन वचन शुद्ध शुद्धम कैसे शुद्ध है और शुद्धता का दर्शन कराने वाले, वो बताते हैं कि इन मलिन पर्यायों के बीच में रहने वाला यह आत्मा मलिन नहीं, निर्विकार है। वह परमात्मा की वाणी बताती है क्या कि इस पर्याय भाव के बीच में रहने वाला यह परिणामिक भाव में यह आत्मा ये कैसा है, शुद्ध है भैया, शुद्ध लक्षण में है, अनमोय मम शुद्ध सहकार भव्य आत्मा विमल पर्याय है। अच्छा देखो वर्तमान में जितना भी समल परिणाम है ना ये पर्याय है, विमल मतलब इससे मुक्त होना, भेद ज्ञान होना, विमल भी पर्याय है। लेकिन भैया आत्मा तो ममल है, वर्तमान में जितनी कर्म अवस्था है ये तो समल, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे मोह हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, कोई सी भी पर्याय की भाव की धारा हो ये समल अवस्था है ना भैया। अब देखो मंदिर में रह रहे हैं भैया, हमें ये लोभ हो जाए कि चैतन्य चार मंजिल बढ़ जाए। अब यदि ये लोभ अंदर में आ रहा है तो लोभ ही है ना, और कुछ तो नहीं, शुभ है लेकिन है तो लोभ ही ना। अब यदि इस लोभ से ही ये चैतन्य मैंने बनवा दिया, यदि इस लोभ से ही मैं अपनी मानता को बना के तो मैं इस चैतन्य में रहने का स्वाद लेने लगू तो हो गया मोक्ष। हो गया मोक्ष, अब तो हो गया, अब तो मुक्ति मिलेगी भैया सीधे। लेकिन भगवान आत्मा ये मार्ग ही नहीं है ऐसा, ये मार्ग ही ऐसा नहीं है, ये मार्ग ही कसायों के अनुरूप चलने वाला नहीं है, ये मार्ग ही संयोग के अनुरूप चलने वाला नहीं है भैया। तो फिर ये मार्ग तो कसाय और संयोगों से भिन्न होने का है, और इस कसाय और संयोगों से भिन्न होने की भावना उसे हो सकती है जिसे आत्म स्वभाव की या परमात्मा की, जिन्हें भगवान के समान गुणों की गहरी रुचि हो, जैसे सर्व परमात्मा ने अपने वीतराग पद को उपलब्ध किया है उनकी विधि ध्यान थी। भगवान जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी ज्ञानी हुए, उन्होंने अंतर ध्यान का मार्ग बनाया, अंतर ज्ञान का मार्ग बनाया, अंतर अनुभूति का मार्ग बनाया, और जैसा ज्ञान ध्यान अंतर अनुभूति में उनको अनुभव था वो यह शास्त्रों में इच्छनवाणी क्या है। अच्छा बता आचार्य कुंद देव ने कौन सी स्तुति लिखी, आत्मा की स्तुति लिखी, कोई स्तुति लिखी क्या, नहीं लिखी। तारण स्वामी ने कौन सी स्तुति लिखी, सब जितने भी आचार्य हुए, योगेंद्र देव हुए, अमृत चंद आचार्य जी हुए, सबने क्या लिखा, आत्म स्तुति। अर्थात ये गाथाएं द्रव का स्वभाव, वस्तु की स्तुति, वस्तु स्वभाव की स्तुति लिखी भैया, वस्तु स्वभाव के अलावा कुछ तो नहीं लिखा ना भैया। पूजा पाठ लिखने वाले तो अपन लोग हैं, नीचे वाले, ऊपर की सारी व्यवस्था तो अलौकिक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, तो यहाँ जो बात चल रही है कि उन्होंने अपने ज्ञान में परिणति में जो अनुभव किया उस अनुभव को यहाँ लिखा, और अपने से भी यही कहा भैया क्या कि जब तुम ऐसा ज्ञान में अनुभव, अर्थात तुम ऐसा सदाचार में जीवन अपना के संयम की भावना सहित जब तुम इस तत्व का विचार करोगे तब इस मोक्ष मार्ग की गेल लक्ष्य कोष की गेल है, तब ये मोक्ष मार्ग की गेल खुलेगी और पल में पहुंचे जाए और पल में भी प्राप्त प्रकट होगी। साधु वही हो सकता है जिसने अपने आप को साध लिया, और ये तुमने अपने को नहीं साधा फिर बात ही नहीं हुई। तो ये मार्ग साधना का है भैया, साध तो रहे भैया, आप यहाँ एकांत में पड़े हो, घर गृहस्थी छोड़ के भटक रहे हो, समाज घर 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 कहना, आप साध तो रहे हो। भगवान जी यदि यही साधना होती तो बेचारे जानवरों को तो घर ही नहीं, वो तो अपने ज्यादा साधना कर रहे,
साधना ये नहीं है कि घर में नहीं रह रहे, हम खुद नहीं रहते, हम खुद यहाँ रह रहे, लेकिन साधना ये नहीं है। तो साधना क्या है भगवान जी? यहाँ रह के अंतर ध्यान में सामायिक में उपयोग कितना लग रहा है ये तो बताओ। तीन टाइम की समय कितनी हो रही है, कितनी हो रही तीन टाइम की समय हो रही कि नहीं? तो ये एक टाइम की नहीं हो रही। अरे भगवान आपका मायाचारी क्यों कर रहे हो? यदि तीन टाइम की सामायिक नहीं हो रही तो फिर क्या हो रहा है? आडम्बर। समता भाव में तीन टाइम की सामायिक नहीं चल रही आपसे तो फिर क्या कर रहे हो? तो यहाँ सर्वज्ञ का उपदेश है, वीतराग जिनेन्द्र देव की वाणी है, भगवान जी समता भाव में तो आओ, मध्यस्थ भाव में तो आओ, साधर्मी वात्सल भाव तो रखो, प्रेम तो बरसाओ, करुणा तो बरसाओ, आनंद तो बरसाओ, सभी के प्रति वात्सल्य की भावना तो रखो। साधर्मी आनंद स्वरूप की अनुभूति करने वाला, उस वीतराग मार्ग को अनुभव में लेने वाला, वीतरागता का परचम लहराने वाला, साधर्मी वात्सल मैत्री आनंद की भावना। भैया पहले आनंद का भाव तो जन्म ले, जब संयम आएगा पहले आनंद का भाव जन्म ले भैया, आनंद का भाव कि ये अपना जो स्वभाव है वो आनंद स्वरूप है भैया, और जो भी इसकी साधना कर रहा है, जो भी स्वभाव को अनुभव करना चाह रहा है, उनके अंदर आनंद के स्वभाव कुछ नहीं, ना राग हो, ना द्वेष हो, ना वैर हो, ना विरोध हो, ना किसी प्रकार का प्रपंच हो, तो इस मार्ग पर आरोहण की बात है। धीरे 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 अपने अंतर से इन कसायों का हनन करना पड़ेगा भैया। अनंतरबंदी जाएगी तो सम्यक दर्शन का मार्ग बनेगा, और भैया आप अपेक्षानवरण जाएगी तो फिर पंचम गुण स्थान का मार्ग बनेगा। अपना अंतर से संयमन होने का भाव तो आए भैया, अर्थात कसाई की पकड़ तो टूटे। अभी अभी आप मुझसे दो शब्द कह दो तो मेरे को बर्दाश्त होने वाले नहीं, अभी तो अनंतरबंदी पड़ी हुई है भगवान जी, अभी तो कसाव इतना गहरा पड़ा हुआ है, इतना गहरा पड़ा हुआ है कि साम्य भाव मध्यस्थता की भूमिका में आने तैयार नहीं है। मध्यस्थता की साम्य भाव की भूमिका में आने तैयार नहीं है भैया, और यदि अपन समता भाव की भूमिका में आने तैयार नहीं है तो भगवान आत्मा अरे ज्ञायक का अनुभव कहां से कर लोगे? समसामयिक उबंधम ऐसा कहा जाता भैया, सामायिक में बैठा हुआ आवृत श्रावक कपड़े पहने हुए भी साधुओं के तुल है। मैं नहीं कहता, कुंद जी कहते हैं क्या कि वो साधु के तुल है, और ऐसा लगता है मानो किसी ने उसे वस्त्रों का उपसर्ग कर दिया। क्यों 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 कहते हैं सब? क्योंकि उसकी भावना उस मुनिता को, उस निर्विकलता को, उस सदुपयोग को, उस साधुता को प्राप्त करने की है, और वो वर्तमान में कपड़े रूपी उपसर्ग तो है, मच्छर काट रहे, मक्खी काट रहे हो, विकल चल रहा हो, लेकिन उन सब का छेदन वेदन करके अर्थात उन विकल्पों से अलग होके अपने आत्मा में लीन होने के लिए तत्पर है। तो लगता है किसी साधु पे किसी ने वस्त्रों का उपसर्ग कर दिया, लेकिन भगवान जी किसके लिए ये कथन? सामायिक करने वाले, उस साम्य भाव में रहने वाले के लिए, उस वस्तु का सहज सहकार करने वाले के लिए। लेकिन भैया अरे सामायिक में चित्ती ना लगता हो तो फिर क्या? यदि चित्त ही ना लगता हो आत्म तत्व के चिंतन में, चित्त ही ना लगता हो गायक भाव की चिंता में, चिंता करो चिंता मणि जय रमना, चित्त ही ना लगता हो, चिंता ही ना होती हो जीवन स्वभाव में रमने की, तो फिर क्या? तो अंतर की बात है भैया, कल्याण की बात तो, अपने निर्माण की बात तो, अंतर की बात है। जिसका अंतर मन से, अंतर हृदय की स्वीकारता से चित्त लगता है भगवान के वचनों में, भगवान की वाणी में चित्त लगता है, भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप में चित्त लगता है, भगवान के द्वारा उद्देश्य हुए वीतराग धर्म में चित्त लगता है, संयम में, सदाचार में, व्रतों में, अणव्रतों में, महाव्रतों में जिसका चित्त हृदय से लगता है उसका मोक्ष हमारे बनता है भैया। पकड़ के जबरदस्ती व्रत दिलवा दो, जैसे आप लोगों ने पकड़ा हमें जबरदस्ती ब्रह्मचर्य व्रत दिलवा दिया, तब थोड़े मोक्ष मार्ग चलने वाले, तो ऐसे मोक्ष नहीं चलता, स्वयं की रुचि से, स्वयं के अपने निर्णय से चलता है भगवान। जब आपकी स्वयं की रुचि अंतर आत्मा की होती है तो मोक्ष का मार्ग चलता है।
यहाँ यहाँ तो अपने चिंतन की धारा है। आप कितना सटीक, कितना निर्मल और कितना स्पष्ट वस्तु के स्वभाव को स्वयं स्वीकार करते हो, और जितना अच्छे से स्वीकार करोगे उतना आपका तेज होगा, उतना आपका बल होगा, उतना आपका वीर होगा, उतने अच्छे से आप उसे स्पष्ट कर पाओगे। और यदि भैया आपन यदि हम खुद उसको स्वीकार ना करें तो फिर किसी को स्वीकार कराने के अधिकारी हो ही नहीं पाएंगे, समझा ही नहीं पाएंगे, उस सत्य को कह ही नहीं पाएंगे। और भैया जो अपने सत्य को ना कह पाए इसका मतलब यह है कि अभी उसका सत्य ही कमजोर है। तो यहाँ अपने को अपनी बात को अनुभव से सिद्ध करना है क्या कि ज्ञान सहावेन कम चिनियम च, कर्म जीतने का एक उपाय, कर्मों को जीतने का विकल्प छोड़ दो। क्या विकल्प करें भैया? अरे विकल्प ही करना है तो भैया आनंद में रहने का, अनुभव में उतरने का विकल्प करो। कर्मों को जीतने का एक उपाय, कर्मों को जीतना है, कर्मों को जीतना है। जब तक ये माला पढ़ोगे तब तक कर्म जीतने में नहीं आएंगे। और पंच परमेश्वर गुणों का चिंतन करोगे, पंच परमेश्वर गुणों की जाप करोगे तो कर्म अपने आप ही जीतने में आ जाएंगे। मतलब कर्मों को जीतने का विकल्प से कर्म नहीं जीत सकते। तो क्या जैसे गुण परमात्मा में है वैसे गुणों की जाप करके अर्थात वैसे गुणों में आचरण करके उन कर्मों को जीत सकते हैं। जीतने का उपाय तो कहां से है? जीतने का उपाय तो अंतर से है भैया, जीतने का उपाय तो अंतर की रुचि से है। और जब जीव अपनी अंतर की रुचि से आगे बढ़ता है तब इन कर्मों से, इन शुभ अशुभ पुण्य पापी क्रियाओं से, संयोगी भाव से, तब उसे ये बोध आता है कि अरे ये तो मन वचन काय का परिणाम, ये तो पुद्गल की होने वाली द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म की अवस्था है। कारमाण वर्णा है, मन का सारा विचार भी पुद्गल वर्णा है, पुद्गल की वर्णा है। विचार भी बिना पुद्गल के नहीं हो सकता, लेकिन उस पुद्गल में एकत्व ये जीव का मिथ्यात है। मन में चलने वाला विचार क्या है? चेतन थोड़ी ना, तो वो तो कर्म उदय से आने वाला उदायक भाव है, राग आदि विकारी भाव उदायक है। लेकिन वो राग में अपनापन जीव का राग है, दो राग का है ना, एक पुद्गल का राग और एक जीव का राग। पुद्गल कर्म मन के साथ पुद्गल का राग है, लेकिन भैया वो राग मैं ही कर रहा हूं, ये मिथ्या मानता, ये तेरी मूर्ता है, तो इसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। निगोद मिथ्या दृष्टि के लिए एक स्थान फिक्स है भैया, मिथ्या दृष्टि के लिए एक स्थान फिक्स है, असंयमी के लिए, अनाचारी के लिए नर्क फिक्स है, और मिथ्या दृष्टि के लिए निगोद फिक्स है। दोनों के स्थान बने हुए हैं भैया। तो अपने को यदि नर्क से, निगोद आदि से, इन विकारी भाव से बचना भैया तो आत्म कल्याण का मार्ग ही उपाय है। संयम की भावना, संयम के लिए रुचि, और भैया तत्व के लिए गहरा अभ्यास। लेकिन याद रखना कि आगम से अनुभव का मिलान करते हैं। यदि बिना मिलान के, यदि आगम के बिना मिलान के यदि अपन आगे बढ़ेंगे तो फिर धोखा जरूर होगा भैया, धोखा होगा कि अपन क्रियाओं को धर्म को समझ नहीं। रोज दोनों टाइम प्रवचन सुनने आ रहा है, ये धर्म है क्या? शुरुआत ये जो रुचि लग गई है, ये रुचि जो बन गई है, देखो रोज प्रवचन सुनने आ रहे हो तब भाव काय के चलते हैं भैया, दिन भर काय के भाव चलते, सिगरेट पीने चले आओ दोस्तों के साथ, है ना, दोस्तों के साथ सिगरेट पीने के, दारू पीने के, लड़कों के साथ आवारागर्दी करने के, ये भाव चलते दिन भर क्या चलते हैं? तो जो यहाँ सुन रहा है वैसे संयम में रहने के, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के और भेद विज्ञान के भाव चलते नहीं चलते। तो जब आप इस वस्तु स्वरूप को सुनते हो, तत्व को सुनते हो, तो फिर वैसे विचार चलते हैं भैया। पहले धर्म विचारों से शुरू होता है, फिर आचरण में होता है। सदाचार में धर्म तो जन्म से ही होता है, यदि आपने जैन धर्म में जन्म लिया है तो अवक्ष अनिति का त्याग तो जन्म से ही है, ये तो जन्म से है, ये तो विरासत में मिला है। लेकिन भगवान जी सच्चे धर्म की शुरुआत अंतर आत्म चिंतन से, पहले विकारों से, व्यसनों से और पापों से हटने की भावना से शुरू होता है, और फिर भैया वो अणुव्रत के रूप में परिवर्तित होता है और फिर महाव्रत के रूप में। ये कल्याण का मार्ग है, लेकिन कब? जिन वैराम शुद्ध शुद्ध, जब इस अमृत की रुचि हो आपको, जब गहरे वीतराग तत्व को ग्रहण करने की
तत्व को अपने अंतर में संजोने की जब इस अमृत की रुचि हो तब भैया, क्योंकि बिना अमृत स्पान के मुक्ति होने वाली है। और अमृत तो अंतर में ही है, पानी तो निमित्त है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी, वीतरागी भगवंत का उपदेश, ये तो निमित्त है। वो आनंद कंद परमानंद, वो जिसको भी यहाँ नाना प्रकार के नाम से आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, वो नाना नामों से उसकी स्तुति कर रहा है। पर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिसकी स्तुति आप नाना प्रकार के नामों से कर रहे हो, वो अनाम तत्व, उसका कोई नाम नहीं है। वो अनाम तत्व, वो अमृत का पिंड तो अपने अंतर में ही, वो तो अपने अंतर में ही है। जब उसकी रुचि लगेगी तब वो अमृत अंदर से बरसना प्रारंभ होगा। और यदि भैया उस परम वितराग भाव की रुचि नहीं लगेगी तो परम अमृत कभी प्रकट होने वाला। तो मार्ग का आरंभ तो अपने अंतर से करना है, बाहर से होता भी नहीं। बाहर से तो भूमि का दिखती है, जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है बाहर तो वो दिखाई देती है। बाहर से तो जैसे भैया कोई यदि भावलिंगी संत हो जाए तो अपने को बाहर से साधु दिखाई देगा, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए निरतिचार, उस वीतरागता में डूबते हुए एकांत जंगलों में निवास करते हुए और समस्त प्रपंचों से दूर आत्म साधना करते हुए दिखाई देगा। तो जिसके अंतर में वीतरागता आएगी उसकी साधना बाहर झलकती हुई अपने आप दिखाई देगी। बाहर तो दर्शन है मात्र, बाहर तो मात्र दर्शन है, लेकिन मूल तो सब कुछ अंतर में है। इसलिए अपना जो कार्य है, अपनी जो रुचि है, वो प्रारंभ तो हो पहले। कहां से भैया? देखो बाहर में सदाचार तो है, अवक्ष का तो त्याग है ना, खा रहा है, त्याग है, खा रहा है, पूर्णता। जब अवक्ष का पूर्णता त्याग है तो अब क्या बचा भैया? अवक्ष को तो छोड़ दिया, रामादी विकारी परिणाम भी अवक्ष है, इनको भी थोड़ा छोड़ दो। राग देश रूप विकारी परिणाम भी अवक्ष है, इनको भी थोड़ा छोड़ दो। थोड़े थोड़े गायक का उपभोग, आत्मचिंतन का उपभोग, तत्व के रस का उपभोग थोड़ा थोड़ा, ये भी चख लिया करो भी। थोड़ा थोड़ा आत्मा का स्वाद भी चख लिया करो, थोड़ा थोड़ा गायक का चिंतन भी कर लिया करो, थोड़ा थोड़ा अंतर अनुभूति का मार्ग बना लो। तो भैया निर्वाण तो सही होगा। तो भैया अपना समय सीमा पूरी हुई है, तो अपन इस बात को एक संक्षेप में कहकर पूरा करते हैं। इष्टम चा परमिष्टम, इष्ट में भी परमिष्ट वीतरागी भगवंतों के अंतर में उनका ही परम स्वभाव है, और वह वीतरागी भगवंत इष्ट अनमोल, उस इष्ट की रमणता में लीन है, उस इष्ट के सहकार में लीन है। क्या हुआ? विगर अनिष्टम, उनकी दृष्टि से अनिष्ट पिला गया। पर प्रजा विलियम कह रहा है, जिन्होंने इस वीतराग भाव को लख लिया उनकी दृष्टि से पर जाओ विलियम, पर पर्याय का नाश हो गया है, पर पर्याय मिला गई है। और तारण तरण देव का कहना है, आचार्य भगवंत का अंतर्भाव है क्या? हे भव्य आत्मा ज्ञान सहावे, जिन्होंने भी सम्यक ज्ञान को उपलब्ध किया, जिन्होंने भी आत्मज्ञान को प्रकट किया है, ज्ञान सहावे कम जिनियम च, उन भव्य आत्माओं ने इस जगत में कर्मों पे विजय प्राप्त करी है, मिथ्या अज्ञान मोह पे विजय प्राप्त की है, और जिन्होंने विजय प्राप्त की है वो जिनेन्द्र हो गए। अपन सब भव्य आत्मा भी इस मंगल में वीतराग वाणी को सुनके अपने भव भ्रमण का जो अनादि क्रम चल रहा है इस क्रम को तोड़े और आत्मा के स्वर रख के अपने कल्याण का मार्ग बनाए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवाह शक्तिवर संत कारण तरण लाचार जय नमोस्तु।